गमले या पाट में लगा हुआ गुड़हल का पौधा बिल्कुल जमीन जैसा फूल दे, बड़े साइज का। देखिए शाम का समय है, कितने अच्छे साइज में फूल हैं और ग्रोथ बिल्कुल जमीन जैसी दिखे आपको। बहुत बड़े साइज का पौधा हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए समय समय पे, और पॉटिंग मिक्स में क्या मिलाना चाहिए जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। आप अगर उसमें खाद या फर्टिलाइजर न भी दें तो भी गमले में लगा हुआ आपका पौधा बहुत अच्छा फ्लावरिंग दे, बिल्कुल जमीन जैसा आपको फूल मिले और ग्रोथ भी देख करके ऐसा न लगे कि यह जो है गमले में लगा हुआ है। तो आज इसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे। इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से रिजेक्ट ऐसे छिलके होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही कारगर होते हैं और उसमें क्या क्या विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन में। कैसे हैं फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि यदि आप अपने पौधे की ग्रोथ अच्छी करना चाहते हैं तो आप पॉटिंग मिक्स यानी कि मिट्टी में लगाते समय, नहीं तो मिट्टी बदलाव करते समय आप उसमें कुछ ऐसी चीज़ों को मिला दें जिसका रिजल्ट 2-3 महीने के बाद से आपको बहुत अच्छा मिलने लगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, आपसे बहुत सारे वीडियो हम शेयर भी करते हैं, यदि आप हमसे जुड़े होंगे तो आप ज़रूर देखते होंगे। मैं अपने पौधों पर कोई विशेष खर्च नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ घर की चीज़ें जिसमें अच्छे खासे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वही मैं इनको देती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगी, क्योंकि यदि आप नहीं दिए हों पौधा लगाते समय या मिट्टी फरवरी में मिट्टी जब बदलते हों उस समय न दिए हों तो आप इस समय यानी कि सितंबर के महीने में ज़रूर दे दीजिए। अगर आप इस महीने में उसको दे देंगे तो फिर आपका पौधा पूरे साल गजब की फ्लावरिंग करेगा। आप देख सकते हैं शुरुआत हो चुकी है फूल के बौछारों की और कलियां तो इतनी बन चुकी हैं कि गिनना मुश्किल हो गया है। तो देखिए हर डे ऐसे ही फूल मिलते जाते हैं, शाम का समय है लेकिन फूल इसका कल गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ों के देने का ही ये रिजल्ट है। तो देखिए कुछ ऐसे छिलके होते हैं जिनमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, तो ये हम सिर्फ और सिर्फ फलों के छिलकों को लिए हैं। बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या मिलता है और इसे कैसे देना चाहिए और मात्रा कितनी रखनी चाहिए। जुड़े रहिए, देखते रहिएगा, पूरा मिस नहीं करिएगा, नहीं तो आपको फिर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए आप मैं क्या क्या ली हूँ। तो यह है इस अनार को मैं लगाऊंगी, बीज द्वारा मैं पौधा तैयार करूंगी इसलिए इसको रखी हूँ। तो आप मैं ताजे छिलके को आपको दिखा रही हूँ, आपको देना कैसे यह भी मैं बताऊंगी। तो यह देखिए एक रिजेक्ट टब में लगा हुआ है, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ। वो देखिए नीचे जड़ में ही कितने अच्छे फ्लावरिंग हो रहे हैं और कितनी ज़्यादा कलियाँ बनी हैं। मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि जड़ के ब्रांचों को आप न हटाएं, बाद में वह एक पेड़ का रूप ले लेगा। तो जितने अधिक ब्रांच रहेंगे उतने अधिक फूल आएंगे, उतनी अधिक कलियाँ बनेंगी। और अधिक ब्रांच कैसे आएंगे? इन्हीं सब चीज़ों से। तो जब आप पॉटिंग मिक्स बना रहे हों, जैसे कि इस समय आप अगर पौधा लगा रहे हों, बरसात का सीजन चल रहा है, अगर आप गुड़हल का पौधा या कोई और पौधा लगा रहे हों फूल वाला फल वाला, तो उस समय जब आप मिट्टी बना रहे हैं तो आपको क्या क्या डालने की ज़रूरत होती है मैं ये ज़रूर बताऊँगी आपको। तो देखिए, और अगर इनकेस आपके पास लगा हुआ पौधा है जैसे हमारा पौधा है तो भी आपको क्या डालने की ज़रूरत होती है समय समय पर। तो मैं फरवरी में इसकी मिट्टी में बदलाव करी थी, सारी मिट्टी को हटा दी थी, उसमें क्या क्या डाली थी आपसे वीडियो शेयर की हूँ। उसी का नतीजा है कि धीरे 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 जब वो सड़ता गया, वो सड़ता जाता है, तो वैसे वैसे हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती जाती है। तो देखिए अब इस समय चल रहा है सितंबर, तो सितंबर के महीने में भी हमें अपने पौधे को कुछ न कुछ देने की ज़रूरत होती है। जब हम देंगे तो फिर ये पूरी ठंडी और बरसात समाप्त होने वाला है, पूरी ठंडी फिर ये अच्छा खासा पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक फिर ऐसे ही फूल देता। तो हर 4-5 महीने के अंतराल में आपको कुछ न कुछ बहुत अच्छी चीज़ें देने की जरूरत होती है। बाकी समय में आप छोटे छोटे 1-2 चम्मच चीजें लिक्विड बना करके देते रहिए,
आपको रिजल्ट अच्छा मिलता रहेगा। तो देखिए एक गमले का रेशियो हम आपको बता रहे हैं, यदि आपके पास 12 इंच का गमला है तो आप उसमें क्या और कितनी मात्रा में देंगे। तो यह है केला, आप देख सकते हैं केले का छिलका है, तो एक गमले में आप सिर्फ 2 केले का छिलका डालिए। इसमें क्या पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में इसमें पोटेशियम होता है, पोटेशियम के साथ साथ इसमें आयरन भी होता है। और इसके बाद यह है सेब का छिलका, यह है ये भी 2 सेब का छिलका, इसमें भी जिंक और आयरन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है अनार का छिलका। तो जब आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक रहेगी तभी आपको फूल मिलेगा, आप चाहे लाख इसमें सब कुछ डाल दें लेकिन फूल नहीं मिलेगा, अगर मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी तो आपको बराबर फूल मिलते जाएंगे। तो यह है 2 अनार का छिलका। अब हम इसको बताएंगे कि इसमें क्या क्या है, इसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, जिंक भी है, फास्फोरस भी है, साथ ही साथ यह मिट्टी को एसिडिक भी बनाती है। तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं डालना है, ऐसे अगर आप डाल देंगे तो हो सकता है आपके गमले की मिट्टी में फंगस भी लग जाए। तो मैं कोई ऐसा चीज़ नहीं बताऊंगी जिससे आपको नुकसान हो। तो आप इसको इसमें जिस दिन धूप हो जाए तो एक दिन की पूरी धूप दिखा दिए, ज़्यादा नहीं दिखाना है आपको, बस सिर्फ एक दिन, ताकि इसका मॉइस्चर जो है थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, फंगस लगने का चांस जो है ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ को आप क्या करिए, अगर आप पौधा लगाए हैं तो भी थोड़ी मिट्टी हटा करके इसको नीचे यहाँ आधे गमले में डाल दीजिए। अगर नहीं लगाए हैं, पॉटिंग मिक्स आप बना रहे हैं, पौधा लगाने वाले हैं, तो नीचे गमले में एकदम तली में निचली सतह में इस चीज़ को आप बिछा दीजिए। बिछाने के बाद कुछ एकाक जैसे जैसे फूल वगैरह या पत्ते या झड़ा हुआ अपने छत का कुछ भी बिछा दीजिए, फिर मिट्टी और गोबर या बर्मी कंपोस्ट डाल करके आप पौधा लगा दीजिए। तो क्या होगा, इतनी सी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो भी 2-3 महीने के बाद से मिलना शुरू होगा, तुरंत आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, यह आप जान लीजिए। क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ों में बहुत दम होता है लेकिन रिजल्ट थोड़ा धीरे मिलेगा, कम मिलेगा। जब यह हल्का हल्का इसमें जो है ये जब मिट्टी में मिलेगा, जब अपना तत्व दिखाएगा, मिट्टी में अपने सारे पोषक तत्व को छोड़ेगा, मिनरल्स को छोड़ेगा, तो जब पौधे की रूट्स मिट्टी में जाएगी तब यह धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। और आप देख सकते हैं कलियां बनती जाएंगी, फूल खिलते जाएंगे, जो कि कभी समाप्त नहीं होंगे। तो चाहे छोटा गमला हो, बड़ा गमला हो, चाहे जो भी हो, अगर आप छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो ज़रूर इस चीज़ को डालिए। तो मैं कभी भी इन रिजेक्ट चीज़ों को नहीं फेंकती, बिल्कुल साफ़ सुथरे से इसको रख के छत पे एक जगह हल्का सा इसको सुखा लेती हूँ, उसके बाद अपने पौधे में डाल देती हूँ। तो अभी मैं इसको नहीं डालूँगी क्योंकि मैं फरवरी में और गर्मी में भी मैं कई सारे चीज़ डाली हूँ, तो अभी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं इसको डालूँगी एकाध महीने के बाद, जब थोड़ा लगेगा मुझे कि नहीं अभी मुझे और डाल देना है तब मैं डालूँगी, क्योंकि पूरी ठंडी मुझे जो है इससे रिजल्ट लेना है। तो इस तरह से आप अपने पौधे को बहुत ही हेल्दी, अधिक ब्रांचों वाला और बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं आपको दूर से दिखा दे रही हूँ कितना खूबसूरत यह पौधा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि यह ज़मीन में लगा हुआ है। तो आप इस तरह का जो है अपने पौधे में बस सिर्फ घर की रिजेक्ट चीज़ों को डाल करके बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली जानकारी लेकर के बताएंगे आपको आगे भी कि हम क्या क्या अपने पौधे को देते रहते हैं रिजेक्ट चीज़ें। तो जुड़े रहिएगा अगले वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।